सुप्रीम कोर्ट में एक मुफाद आमे की अर्जी PIL दायर की गई है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट को ये हिदायत देने की मांग की गई है कि पार्लियामेंट की नई इमारत का इफ्तिताह वजीर आजम नरेंद्र मोदी के बजाय मुल्क के सदर के जरिए किया जाना चाहिए। दरख्वास्त गुजार CR जया सोकन, जो पेशे से सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, उन्होंने अदालत उज्मा में एक दरख्वास्त दायर की है, जिसमें कहा गया है कि लोकसभा सेक्रेटरियट ने सदर को इफ्तिताही तकरीब में मदु न करके हिंदुस्तानी आइन के खिलाफ वर्जी की है। ऐसा करने से आइन का एहतराम नहीं किया जा रहा। दरख्वास्त गुजार वकील ने अपनी अर्जी में दावा किया कि लोकसभा सेक्रेटरियट की तरफ से 18 मई को जारी करदा बयान और नए पार्लियामेंट हाउस के इफ्तिताह के सिलसिले में लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल की तरफ से जारी करदा दावतनामा एक मनमानी तरीका है, जो बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। दरख्वास्त गुजार वकील ने कहा है कि मामला जल्द सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए आने का इम्कान है। उन्होंने कहा है कि जवाब दहिंदगान, मरकजी हुकूमत और लोकसभा सेक्रेटरियट सभी ने इस मामले में हिंदुस्तानी आइन की खिलाफवर्जी की है और इसका एहतराम नहीं किया जा रहा।